गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सर आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो गाइस फाइनली लेकर के आ चुका हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए अपनी पोजो लॉन्चर सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नंबर 5। अभी गाइस मुझे पता है कि गाइस ये वाला एपिसोड है ना काफी ज्यादा लेट आ रहा है। गाइस उसका भी एक रीजन है क्योंकि गाइस यहाँ पर है ना चल रही थी एक फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज और भाई सेल चल रही थी यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर मैंने मंगवाया था एक फोन 2 हफ्ते पहले, लेकिन गाइस यहाँ पर उसे मैंने ऑर्डर कर लिया, लेकिन गाइस उसके ना वो फ्लिपकार्ट वाले डेट बढ़ाए जा रहे एंड में गाइस उसे कैंसिल कर दिया। गाइस यहाँ पर मुझे बहुत ही दुख हुआ। भाई यहाँ पर है ना मैं वीडियो बना रहा हूँ फाइनली अपने फादर के फोन से, आप सभी लोग देख सकते हो। ओ भाई पहले भी मैं अपने फादर के फोन से ही वीडियो बनाता था, ओ भाई आज मैंने लगा दी स्किन, आप सभी लोग देख सकते हो काफी तगड़े हम लग रहे हैं। ओ भाई लास्ट वाले वीडियो में ना आप सभी लोगों ने मतलब जो हमारा लास्ट वाला एपिसोड था एपिसोड नंबर 4, आप सभी लोगों ने उस वाले एपिसोड नंबर 4 का भी लाइक एम कंप्लीट करवा दिया था। गाइज आज की वीडियो का लाइक एम 40 लाइक्स। ओ भाई आप है ना ऐसी तगड़ा वाला सपोर्ट दिखाओ। गाइज जल्दी से ना आप फटाफट से 1K सब्सक्राइबर करवा दो गाइज प्लीज से, ताकि गाइज यहाँ पर है ना मैं अपना खुद का एक पर्सनल फोन ला सकूं और भाई आप सभी लोगों के लिए ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस ला सकूं। तो चलो गाइस यहाँ पर आज मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि गाइस यहाँ पर है ना आज हम सभी लोग बनाने जा रहे हैं एक बढ़िया सा हाउस इस सर्वाइवल सीरीज में। और भाई सारा सामान यहाँ पर मैंने हाउस बनाने के लिए इकट्ठा कर लिया है। और भाई प्लीज से वीडियो को लाइक कर दो और भाई चैनल को प्लीज से सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस यहाँ पर है ना आज हम बनाने वाले हाउस, और भाई लास्ट वाले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि गाइस यहाँ पर हमने बना लिए थे अनलिमिटेड फूड फार्म। और भाई यहाँ पर स्किन काफी अच्छी लग रही है, आप सभी लोग देख सकते हो। आप सभी लोग कमेंट में बताओ कि आप सभी लोगों को ये वाली स्किन कैसे लगी। तो जल्दी से गाइस यहाँ पर ना आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे इस फार्म के सारे क्रॉप ग्रो हो चुके हैं। और भाई मैंने ऑफलाइन में बिल्कुल भी इसे चलाया है नहीं एक भी बार, क्योंकि गाइस यहाँ पर है ना मुझे ये फोन मिलता है ही नहीं। गाइस ये मेरे फादर का फोन है आप सभी लोग देख सकते हो, और भाई मुझे ये मिलता है नहीं। तो गाइस इस फार्म को ना एक बार मैं ऑन करता हूँ और देखते हैं हमें कितना सारा सामान देने वाला है। और भाई साहब देख सकते हो कैसे यहाँ पर सामान आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। और भाई यहाँ पर आप देखते हैं कितना सारा सामान हमें मिलने वाला है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर काफी सारा सामान यहाँ रखा हुआ है, कितना सारा पड़ा हुआ है। और भाई पूरा होपर यहाँ पर है ना फुल हो चुका है, आप सभी लोग देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर है ना चेस्ट में आने लग गया है सामान। तो गाइस काफी ज्यादा सामान ये दे रहा है हमें फार्म, काफी तगड़ा फार्म हमने बनाया था लास्ट एपिसोड में। तो गाइस इस फार्म के लिए ना जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। तो चलो गाइस यहाँ पर है ना आज हम अपने लिए एक हाउस बनाने वाले हैं, और भाई काफी डिसेंट सा वो हाउस में बनाने वाला हूँ। और भाई उस हाउस में ना मैं थोड़ी दिनों में ना चेंजेस करता रह करूंगा, मतलब गाइस हर बार है ना उसमें थोड़े बहुत मैं चेंजेस करता रह करूंगा। गाइस उस हाउस में ना मैं इंप्रूवमेंट करता रह करूंगा हमेशा। गाइस यहाँ पर प्लीज से यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गाइस 1K होते ही है ना यहाँ पर मैं अपने लिए एक पर्सनल फोन लाने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर प्लीज से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये है ना मेरे पापा का फोन है, और भाई बिल्कुल भी ये मिलता है नहीं ये फोन मुझे। और भाई आप सभी लोगों को पता है ये तो पापा का फोन है, और भाई काफी तगड़ी इसमें गेमिंग तो हो जाती है। तो गाइस कुछ ऐसे ही फोन में लाने वाला हूँ 1K होते ही। तो गाइस प्लीज से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो चलो गाइस यहाँ पर है ना जल्दी से हाउस बनाना हम स्टार्ट करते हैं। और भाई मैंने यहाँ पर प्लैंक वगैरह सब बना लिया, आप सभी लोग देख सकते हो, डोर वगैरह सब मैं बनाकर ले आया हूँ। अभी गाइस यहाँ पर है ना मुझे पता है आप सभी लोग है ना काफी ज्यादा बोर होने वाला हो, लेकिन गाइस कोई ना यहाँ पर काफी तगड़ा मैं है ना हाउस बनाने वाला हूँ। और भाई मुझे ये भी नहीं पता कि गाइस यहाँ पर पोजो लॉन्चर में ना रीप्ले मोड कैसे लॉन्च करते हैं, मतलब यूज करते हैं। तो गाइस आप सभी लोग कमेंट में बता सकते हो कि इसे यूज कैसे करना है, और भाई आप सभी लोग अपने अपने सजेशन देते रहे करो, क्योंकि गाइस मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ आप सभी लोगों के। तो गाइस कुछ ऐसा यहाँ पर है ना मैं हाउस बनाने वाला हूँ। अभी इस हाउस का ना मैं एक ढांचा टाइप में बना लेता हूँ, स्ट्रक्चर टाइप में, और भाई काफी है ना डिसेंट सा यहाँ पर हम सिंपल सा हाउस बनाने वाले हैं अभी, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये पहला हाउस होने वाला है। और भाई ये ना हमारा कोई ड्रीम हाउस तो होने वाला ही है, आप सभी लोगों को पता ही है। गाइस यहाँ पर है ना मैंने अभी तक हाउस नहीं बनाया पोजो लॉन्चर सर्वाइवल सीरीज में, बट चलो यार कोई ना। अभी गाइस यहाँ पर है ना आप सभी लोग देख सकते हो कुछ ऐसे ना मैं दिमाग में चला रहा हूँ कि गाइस यहाँ पर ना इसे हमें कैसे बनाना चाहिए। और भाई काफी है ना धीरे धीरे पूरा दिमाग लगाकर मैं इसे बना रहा हूँ, आप सभी लोग देख सकते हो। और भाई कुछ ऐसे ना मैं इसे एल टाइप में बनाने वाला हूँ, मतलब गाइस काफी ना थोड़ा अलग सा ही लगे इसका स्ट्रक्चर, ऐसे मैं बनाने वाला हूँ। और भाई बाद में ना इसमें हम इम्प्रूवमेंट करते रह करेंगे, आप सभी लोग देख सकते हो जैसा कि। तो चलो गाइस यहाँ पर देख सकते हो रात भी होने वाली गाइस, सबसे पहले ना यहाँ पर मैं अपने हाउस का स्ट्रक्चर तो बनाकर चला ही जाता हूँ। और भाई ज्यादा कुछ बिगाड़ने वाला है नहीं ज़ॉम्बी वगैरह अपना कुछ भी, तो चलो यार कोई ना। अभी गाइस देख सकते हो आप सभी लोग कैसा बढ़िया सा लग रहा है। अभी गाइस यहाँ पर है ना फटाफट से ना मैं भगकर चलता हूँ, और भाई यहाँ पर है ना हम सो जाएंगे सबसे पहले, लेकिन गाइस यहाँ पर उससे पहले मैं डोर लगा लेता हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पर भगकर चलते हैं, रात होने वाली है बस गाइस, तो जल्दी से गाइस यहाँ पर मैं चलता हूँ। और भाई काफी ज्यादा बढ़िया लगने वाली अपनी वर्ल्ड आप सभी लोग देख सकते हो। तो भाई जल्दी से हम चलते हैं, और भाई काफी जल्दी मैं आ चुका हूँ, भाई सो भी चुका हूँ फाइनली।
तो चलो गाइस देख सकते हो काफी जल्दी यहाँ पर हम उठ चुके हैं। अभी गाइस यहाँ पर हम चलते जल्दी से, ओ भाई चल करे ना यहाँ पर अपने हाउस को बनाना स्टार्ट करते हैं। ओ भाई यहाँ पर है ना आप एंड तक प्लीज से वीडियो को देखते रहना, क्योंकि गाइस एंड में आप सभी लोग मेरे ग्राफिक देख के डरने वाले हो, क्योंकि गाइस यहाँ पर मैं एंड में कुछ ऐसे चेंज करने वाला हूँ। अभी गाइस यहाँ पर है ना मैंने गलत ब्लॉक लगा दिए, यहाँ पर है ना मैं तीन तीन ब्लॉक कॉर्नर से ऊपर चलता हूँ, तो गाइस यहाँ पर तीन चार ब्लॉक है ना हम ऊपर चलने वाले। ओ भाई मैं ना बिल्कुल अपनी तरफ से हाउस बनाने वाला हूँ, आप सभी लोग देख सकते हो काफी सिंपल ये हाउस होने वाला है, और भाई काफी ना अच्छा भी होने वाला है मेरे लिए, और भाई काफी प्यारा हम इसे बनाने वाले। तो गाइस जल्दी से ना यहाँ पर हम इसे बनाते हैं, और भाई इसके इसमें ना दिमाग चलाने की बहुत ही कोशिश पड़ रही है मुझे, आप सभी लोग देख सकते हो। और भाई यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे कर दिया, यहाँ पर है ना ब्रिज के यहाँ पर प्लैंक लगा लेता हूँ मैं, और भाई बिल्कुल भी ज्यादा सामान लगने वाला है नहीं इस हाउस के लिए, क्योंकि गाइस पूरा वुडो का फार्म हाउस होने वाला है और काफी जल्दी ये बन जाएगा हमारा। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मैंने वुडे तो ले लिए, अभी गाइस यहाँ पर है ना मैं जल्दी से नीचे उतरता हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पर है ना अभी हम जल्दी से ना अपना हाउस बनाते हैं, और भाई काफी ज्यादा इसमें टाइम लगने वाला है, तो गाइस जल्दी से यहाँ पर मैं अपने हाउस का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पर है ना अपने हाउस का तो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना लिया, और भाई यहाँ पर है ना आयरन गोलम ऊपर है ना अपने हाउस के ऊपर स्पोन होने लग गए। चलो यार कोई ना, और भाई काफी अच्छा लगने लग गया अपना हाउस अभी सही। और भाई यहाँ पर है ना मैं विंडो के लिए थोड़ा स्टाइल मारने के लिए यार यहाँ पर है ना मैं ब्रिज के यहाँ पर ये लगा लेता हूँ जितने भी ब्लॉक है, और भाई काफी अच्छा लगने वाला है अपना हाउस बनने के बाद, काफी सिंपल ये होने वाला है। तो गाइस जल्दी से यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ, और भाई यहाँ पर फटाफट से ना वीडियो को लाइक कर दो भाई, 40 लाइक्स का यहाँ पर लाइक है, तो गाइस यहाँ पर फटाफट से ना वीडियो को लाइक कर देना, और भाई एंड तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि गाइस एंड में ना आप मेरे ग्राफिक को देखकर हिल जाओगे। तो चलो गाइस यहाँ पर देख सकते हो काफी तगड़ा सीन है। अभी गाइस यहाँ पर है ना मैंने सारे में प्लैंक तो लगा दिए ब्रिज के, आप सभी लोग देख सकते हो काफी अच्छा लग रहा है गाइस देखने में। और भाई इस साइड भी है ना मैं लगा लेता हूँ, और भाई इस साइड भी मैं लगा लेता हूँ इस वाली विंडो में, काफी सारी है ना यहाँ पर हमारे पास विंडो तो हो जाएगी इस घर पे। चलो यार कोई ना, काफी तगड़ी बात है हमारे लिए। और भाई यहाँ पर भी एक विंडो है तो इस साइड भी हम लगा लेते हैं। तो ऐसी है ना यार यहाँ पर काफी ज्यादा जगह है, अभी गाइस यहाँ पर मैंने इन्हें लगा दिए हैं। तो चलो गाइस यहाँ पर है ना अभी जल्दी से यार यहाँ पर मैं बाहर निकलता हूँ, और भाई काफी अच्छा लगने लग गया है अपना हाउस अभी से। और भाई जल्दी से चल कर है ना यहाँ पर मैं ग्लास ले आता हूँ अपने घर से, तो जल्दी से गाइस यहाँ पर हम चलते हैं। और भाई कुछ ऐसे लुक लग रही है यहाँ से, आप सभी लोग देख सकते हो कैसा लग रहा है यहाँ से ये, और भाई काफी तगड़ा लग रहा है देखने में ये। चलो गाइस कोई ना, और भाई यहाँ पर जल्दी से मैं चलता हूँ अपने घर पर, और भाई चल कर है ना यहाँ पर मैं जल्दी से ग्लास ले आता हूँ। और भाई काफी ज्यादा ग्लास है ना यहाँ पर ऑफलाइन में मैंने मेल्ट करवा लेते, मतलब स्मेल्ट करवा लेते, तो गाइस यहाँ पर हम जल्दी से चलते हैं। और भाई वो फर्नेस में ही रखे हुए हो गए, और गाइस वो मैंने स्मेल्ट होते हुए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि गाइस मुझे पता है आप सभी लोग बोर हो जाते हो उस चीज में। तो जल्दी से गाइस यहाँ पर थोड़े बहुत तो ग्लास मेरी चेस्ट में ही है, और भाई यहाँ पर है ना फर्नेस में काफी ज्यादा ग्लास मैंने मेल्ट करवा लेते, स्मेल्ट करवा लेते, आप सभी लोग देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर ग्लास है, और भाई देखने में भी काफी अच्छे लग रहे ग्लास। और भाई इनको मैं डाई वगैरह कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, ऐसे ही मैंने इन्हें नॉर्मल करके लगा देंगे। तो गाइस यहाँ पर हम चलते हैं, और भाई देख सकते हो अपना गेम है ना काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है, और भाई बिल्कुल भी यहाँ पर लैग नहीं होता, आप सभी लोग देख सकते हो। भाई यहाँ पर है ना ये आयरन गोलम पता नहीं क्यों ऊपर स्पोर हो रहे, चलो यार कोई ना इसकी छत के ऊपर है ना हम स्लैब लगा देंगे, ताकि गाइस यहाँ पर अपना आयरन फार्म भी ना एकदम वर्क करे। और भाई यहाँ पर जावा एडिशन के ये कनेक्टेड ग्लास जो है ना काफी तगड़े लगते हैं देखने में, आप सभी लोग जैसे कि देख सकते हो। अभी गाइस यहाँ पर है ना मैं सारे में जल्दी जल्दी से ग्लास लगा दूंगा, और भाई काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर हमारी विंडो बन जाएगी, आप सभी लोग देख सकते हो। और भाई कमेंट में बताओ ये आपको डिसेंट सा हाउस कैसा लग रहा है। गाइस काफी ये सिंपल बनाने की मैंने इसे कोशिश करी अभी के लिए, क्योंकि गाइस यहाँ पर बिल्कुल ज्यादा मेरे पास रिसोर्सेस है नहीं, और भाई बाद में इसे हम धीरे धीरे तगड़ा करते रहेंगे। और भाई इसके ना मैं थोड़े बहुत फ्लोर और बढ़ा दूंगा, मतलब इसे दो तीन मंजिल का हम कर देंगे। तो चलो गाइस देख सकते हो काफी तगड़े यहाँ पर है ना हमने ग्लास करके लगा दी, और भाई अपने विंडो भी तैयार हो चुके हैं। अभी गाइस यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें लगाने यहाँ पर अपनी छत बनानी है, और भाई छत के लिए ना यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ स्लैब का। तो गाइस यहाँ पर हम जल्दी से चलते हैं, और थोड़े बहुत ना हम स्लैब बना लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर है ना मेरे पास वुडे तो पड़ी हुई है, तो गाइस इनके ना मैं स्लैब बना लेता हूँ जल्दी से। और भाई इन स्लैब से ना मैं छत पे डिजाइन देने वाला हूँ, अभी आप सभी लोग देखते रहो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, काफी तगड़ा वो लगेगा गाइस। तो गाइस यहाँ पर है ना जल्दी से मैंने स्लैब तो बना लेता हूँ गाइस, और भाई वुडे मैंने निकाल लिए, लेकिन गाइस यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ ना मैं ऊपर वुडे लगाऊँ या फिर स्लैब लगाऊँ। एक सेकंड गाइस यहाँ पर है ना मैं देख लेता हूँ कि गाइस यहाँ पर ये वुडे अच्छी लगेगी या फिर नहीं लगेगी। तो गाइस यहाँ पर मैंने सोच लिया है, अभी हमें ना ऊपर चलकर देख लेंगे सबसे पहले, और भाई यहाँ पर हम देख लेंगे कि गाइस यहाँ पर है ना स्लैब अच्छे लगेंगे या फिर वुड अच्छी लगेगी। तो गाइस यहाँ पर है ना मैं देख लेता हूँ, और भाई लेकिन है ना गाइस यहाँ पर मैं वुड से अगर करूँगा तो गाइस काफ़ी बुरा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर है ना ये वुड काफ़ी ज़्यादा लग जाएगी, और भाई स्लैब है ना हमारे पास ट्रिपल बन जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर स्लैब बनाने में ये दिमागदारी है, तो गाइस यहाँ पर हम जल्दी से स्लैब बना लेते हैं।
तो गाइस यहाँ पर थोड़े बहुत है ना मैं स्लैब बना लूंगा अपने लिए। और भाई यहाँ पर मैंने स्लैब बना लिए, और भाई इस इधर से भी हम स्लैब बना लेते हैं इन वाली वुड की भी। और भाई अभी आप सभी लोग डिजाइन देख रहे हैं मैं इसको कैसे डिजाइन देने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर जल्दी से हम चलते हैं, और भाई स्लैब तो मैंने बना लिया, अभी गाइस जल्दी से चलते हैं और भाई यहाँ पर अपनी छत को हम बनाकर कम्प्लीट कर लेते हैं। और भाई थोड़ा बहुत है ना घर को हम डिजाइन भी देने वाले, तो चलो गाइस यहाँ पर मैं जल्दी से बना लेता हूँ अपने लिए यहाँ पर रूफ। और भाई यहाँ पर मैं कुछ ऐसे यहाँ पर मतलब यहाँ पर है ना एक चेस्ट वाला डिजाइन देने की कोशिश करूंगा। अभी गाइस यहाँ पर ये देखने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन गाइस जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। और भाई ये थोड़ा गलत मैंने कर दिया है, इसे ना मैं थोड़ा अलग सा करने वाला हूँ, चेस्ट जैसे नहीं होते वैसे वाला डिजाइन देने वाला हूँ। तो गाइस इन्हें हम तोड़ लेते जल्दी से, और भाई तोड़ कर ना यहाँ पर दोबारा से हम लगा देंगे। और भाई काफी ज्यादा है ना मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ इस वीडियो बनाने के लिए, काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो गाइस यहाँ पर है ना जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और भाई चैनल को प्लीज से सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस कुछ ऐसी डिजाइन की बात कर रहा था मैं, अभी लग रहा है ना बढ़िया। तो गाइस यहाँ पर ये मैंने गलत लगा दिया, तो चलो गाइस यहाँ पर कुछ ऐसे मैं बात कर रहा था चेस की तरह। तो गाइस काफी टाइम लगने वाला है इसमें, तो जल्दी से हम कर लेते हैं। और लाइट गाइस यहाँ पर मैंने रूफ वगैरह सब बना दिया। अभी गाइस यहाँ पर मैं आप सभी लोग देख सकते हो बाहर से तो थोड़ा बहुत है ना डिसेंट सा लग रहा है। अभी गाइस अंदर है ना यहाँ पर मैं आपको चलकर दिखा देता हूँ जल्दी से। तो गाइस जल्दी से यहाँ पर हम अंदर चलते हैं, और भाई मैं आप सभी लोगों को दिखा दूंगा अपना हाउस। और भाई काफी अच्छा लग रहा है मुझे तो अभी से ही, क्योंकि गाइस मेरी पूरी मेहनत कर, भाई इसके ऊपर है ना मैंने एक स्लैब की लेयर लगा दी ताकि गाइस यहाँ पर कोई भी गोलम वगैरह स्पून ना हो सके। तो जल्दी से गाइस यहाँ पर हम चलते हैं, और भाई आप सभी लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि गाइस यहाँ पर मैं कैसी बात कर रहा था अपनी छत की। तो गाइस यहाँ पर है ना सबसे पहले मैं चलता हूँ, और भाई यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल से मैं सोचा हूँ थोड़ी बहुत है ना मैं स्टेयर भी बना लेंगे अपने लिए। तो गाइस क्योंकि गाइस यहाँ पर है ना मैं कोबल स्टोन की स्टेयर बनाकर यहाँ पर कुछ डिजाइन करने वाला हूँ, और भाई काफी थोड़ा है ना अच्छा सा लुक हो जाएगा यहाँ पर हमारे हाउस का इसका, क्योंकि गाइस अभी तो ये डब्बा सा लग रहा है देखने में, बाद में बिल्कुल भी डब्बा नहीं लगेगा। और भाई थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट हम इसमें करते रह करेंगे, और भाई ऐसे कुछ करके मैं लगा दूंगा यहाँ पर स्टेयर्स। तो गाइस कुछ ऊपर करके यहाँ पर हम लगाएंगे स्टेयर्स। तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैं ऊपर चलता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर मैंने ऊपर लगा दिया कि स्लैब की लेयर एक्स्ट्रा, क्योंकि गाइस वहाँ पर है ना गोलम वगैरह स्पोन हो रहे थे। अब गाइस यहाँ पर गोलम वगैरह स्पोन नहीं हो गए, देख सकते हो गाइस आयरन फार्म में ही गोलम स्पोन हो रहे हैं आप सभी लोग जैसे कि देख सकते हो। चलो गाइस एकदम बढ़िया सीन है। अभी गाइस यहाँ पर है ना मैं जल्दी से स्टेयर लगाता हूँ अपने यहाँ पर, और भाई एंड में मैं आपको सभी लोगों को दिखाऊंगा कि गाइस यहाँ पर हमारा हाउस कैसे लग रहा है देखने में। तो गाइस यहाँ पर कुछ ऐसे करके मैं लगा लेता हूँ जल्दी से, और भाई ऐसे यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। और भाई अभी है ना आप सभी लोग देख सकते हो कुछ ऐसे करके मैं लगाने वाला हूँ स्टेयर्स, और भाई काफी ज्यादा है ना यहाँ पर स्टेयर लगने वाली है, और भाई काफी अच्छा लुक हो जाएगा अभी इस हाउस का। तो गाइस जल्दी से यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत स्टेयर लगा लेता हूँ, और आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ कि गाइस यहाँ पर है ना एंड में हमारे लुक घर की फाइनल लुक क्या होने वाली है। तो गाइस जल्दी से यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत है ना स्टेयर लगा लेता हूँ, और भाई थोड़ी बहुत है ना टाइम लगने वाला है यहाँ पर, गलत लग रही है थोड़ी बहुत स्टेयर। चलो यार कोई ना जल्दी से हम लगा लेते हैं। ऑल राइट गाइस यहाँ पर अभी हमारा घर बन के पूरा डन हो चुका है। और भाई मैं इन ग्राफिक की बात कर रहा था, आप सभी लोग देख सकते हो एकदम लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पर इतने तगड़े ग्राफिक हमारे हो चुके हैं, और भाई बिल्कुल भी यहाँ पर लैग नहीं हो रहा है। आप सभी लोगों को पता चल रहा होगा गाइस डिफरेंट कितना बड़ा डिफरेंट है, और भाई क्लाउड वगैरह देख सकते हो कितने दूर दूर तक यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, और भाई बिल्कुल भी ज्यादा लैग नहीं हो रहा है यहाँ पर। भाई ऐसा लग रहा है कि गाइस यहाँ पर हम कोई शेडर चला रहे, और गाइस जैसे ही टेक्नो गेमर से बड़े बड़े यूट्यूबर का नहीं होता माइनक्राफ्ट सेम वैसे ही हो चुका है हमारा, काफी स्मूथ लग रहा है देखने में। और भाई काफी तगड़ा है ना वाइब्रेंस लुक हो चुकी है इसकी, और भाई देख सकते हो अंदर जाके तो पूरा शेडर लग रहा है, आप सभी लोग देख सकते हो कितना तगड़ा गाइस यहाँ पर लग रहा है, आप सभी लोग देख सकते हो। कमेंट में बताओ गाइस आप सभी लोगों को कैसे लग रहे हैं ये ग्राफिक, अगर आप सभी लोगों को भी ये ग्राफिक चाहिए पोजब लॉन्चर में तो गाइस आप सभी लोग कमेंट में बता सकते हो, मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो गाइस देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं। और भाई ये ना मैंने खुद से सेटिंग से करे ग्राफिक, कोई भी रिसोर्स पैक वगैरह कुछ नहीं लगाया इन ग्राफिक के लिए मैंने। चलो यार काफी तगड़ा सीन है, गाइस यहाँ पर है ना घर बन के हमारा डन है। और भाई यहाँ पर मैं क्राफ्टिंग टेबल वगैरह फर्नेस वगैरह सब लगा दूंगा, दो चेस्ट वगैरह हम सब लगा देंगे यहाँ पर। तो गाइस जल्दी से यहाँ पर मैंने चेस्ट है तो बना लिए, अभी गाइस यहाँ पर है ना मैं फटाफट से चेस्ट है तो लगा लेता हूँ। और भाई काफी जल्दी है ना यहाँ पर हमारा घर भी बन चुका है, भाई काफी डिसेंट सा एक घर है। अभी गाइस यहाँ पर है ना इस घर में मैं चेंजेस करता रह करूंगा ऑफलाइन में, और भाई काफी अच्छा है ना हम इस घर को बना देंगे भाई। लेकिन गाइज ये जो ग्राफिक है ना मुझे काफी ज्यादा तगड़े लग रहे हैं, आप सभी लोग देख सकते हो। आप सभी लोग कमेंट में बताओ कि गाइज आप सभी लोगों को कैसे लगे। और भाई यहाँ पर है ना मैं फर्नेस लगा लेता हूँ कुछ ऐसे करके, और भाई यहाँ पर पांच फर्नेस है तो कुछ ऐसे करके यहाँ पर हम लगा लेंगे। तो चलो गाइज यहाँ पर देख सकते हो काफी ना खुला स्पेस भी मिल चुका है हमें इस घर में, और भाई बाद में से हम इम्प्रूव करते रहेंगे। तो गाइज कमेंट में ये जरूर से बताओ कि गाइज आप सभी लोगों को ये घर कैसा लगा, और गाइज जरा से भी अच्छा लगा हो तो ये घर आप सभी लोग लाइक कर सकते हो वीडियो को। भाई 40 लाइक का लाइक है, जैसी लाइक है कम्प्लीट
कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा इसकी सर्वाइवल से इसकी। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मुझे क्या करना चाहिए ये भी कमेंट में बता सकते हो। चलो यार कोई ना, अभी गाइस यहाँ पर वीडियो खत्म नहीं हुई है। गाइस यहाँ पर है ना अभी मैं थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर देता हूँ, मतलब गाइस यहाँ पर है ना मैं शवल वगैरह से है ना थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर देता हूँ यहाँ पर। तो गाइस कुछ ऐसे करके यहाँ पर मैं डेकोरेशन कर देता हूँ, काफी अच्छा लगेगा। गाइस एक है ना पाथ मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, और भाई यहाँ पर थोड़ी बहुत ग्रास है ना हम तोड़ लेते हैं। लेकिन गाइस जो भी कहो गाइस, ये जो ग्राफिक मैंने कर दिया ना काफी तगड़े लग रहे देखने में। आप सभी लोग बताओ कमेंट में आप सभी लोगों को कैसे लग रहे ये ग्राफिक। भाई काफी सिंपल सी लुक हो रही है अभी, लेकिन गाइस काफी है ना वाइब्रेंस लुक हो चुकी है, और भाई क्वालिटी काफी इनहेंस हो चुकी है इन ग्राफिक की वजह से, आप सभी लोग देख सकते हो। आप सभी लोग ये कमेंट में जरूर से बताओ आप सभी लोगों को ग्राफिक कैसे लग रहे हैं। अगर आपको भी ये करने ग्राफिक कमेंट में बता सकते हो कि अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कैसे कर सकते हो। भाई बिल्कुल भी रिसोर्स पैक वगैरह मैंने नहीं लगाया इन ग्राफिक के लिए, तो गाइस काफी अच्छे लग रहे हो भाई, शेडो वगैरह सब आ चुके हैं। चलो यार कोई ना, काफी बात कर ली अभी ग्राफिक के बारे में, अभी वीडियो में वापस आ जाते हैं हम। भाई देख सकते हो कैसा हमारा घर बन चुका है, तो भाई काफी डिसेंट से यहाँ पर घर है। तो चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना। अगर ये वीडियो जरा सी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब भी कर देना, और भाई मुझे कमेंट में बताना कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।